एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेहर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मार्टेल से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया बॉल फिर से उसके साथ फ्लट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कोनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कच पे ले जाता है और वे योद्ध संपत्त रखते हैं रूम और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को नए जूते और के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैल उनकी नियुक्त है एडवर्ड सैल को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कॉनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्ति रूप से चीजों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीजों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की और भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से गुज जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका अफेयर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवारी दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे बना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उससे दे देती है कि और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भहकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर द, पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो हज़ार दो की अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रिन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एल्विन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएलेस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैक्लूड प्रोड्यूस किए एड्रीन लेन जी मैकब्राउन स्टारिंग दिए रिचर्ड ग्रे डाइना मैटिन इरिक सुलिवन सिनेटोग्राफी दिए पीटर बियोज एडिट किए एनी वी म्यूजिक जेन एपी के कस मेरे को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज मई टेन दो हजार दो इस कार इंडिया वन ट्वेंटी फोर पॉइंट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

मिचेल मोगन एज लेडनेशी कैट बर्टन एज टेरेशी मैरगेट जो कॉलिनी एज सेली जेल जेको इवान एक एज डिटेक्टिव डीन मेकर इमरेशन एज जोश डेमन गुप्टन एज अदर बिजनेसमैन जोश बोर्डर ट्रेन कंडक्टर तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेहर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टल से मिलता है और अपने घुटनों को खर्चता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और, और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कॉलिन को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलुड की नियुक्त है एडवर्ड सैलुड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीजों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका फैर खत्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अत उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में शिक्षक ते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भहकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर दंग, पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रीन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएल बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलोड का प्रोड्यूस किया लेन जी मैकब्राउन स्ट्रिंग दी रिचर्ड ग्रे डायना लैन ऑलिव वियर मैटिन जे इरिक पर्सेलिवन सिमेटोग्राफी दिए पीटर बियो एडिट किए एनी वी कोर्स म्यूजिक दिए जेन ए पी के कज मेरे कूड़ हैं अब ये फॉक्स 2000 पिक्चर रीजेंसी एंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए टू 20 सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट माइट 10 2002 यस करंट 124 मिनट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

मिचेल मोगन एज लेडनेशी कैट बर्टन एज टेरेशी मैरगेट जो कॉलिनी एज सेली जेल जेको इवान एक डिटेक्टिव डीन मेकल इमरेशन एज जोश डेमन गुप्टन एज अदर बिजनेसमैन जोश बोर्डर ट्रेन कंडक्टर तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टेल से मिलता है और अपने घुटनों को खर्चता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलु की नियुक्त है एडवर्ड सैलुड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका फैर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे तो दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर दंग, पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रिन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन विलियम्स ब्रोएलस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलोड का प्रोड्यूस किया लेन जी मैकब्राउन ब्राउन स्टाइन रिचर्ड ग्रे डायना लैन ऑलिव वियर मैटिन इरिक पर सुलिवन सीमेटोग्राफी दिए पीटर बियो एडिट किए एनी वी कोर्ट्स म्यूजिक दिए जैन एपिक कजमेरे कोरिए फॉक्स 2000 पिक्चर री जेंसी डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है मई टेन दो हज़ार दो ये ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टल से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कॉलिन को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलुड की नियुक्त है एडवर्ड सैलुड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है चूंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका फैर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हैं एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर द, पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो हज़ार दो की अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रिन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एल्विन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएलेस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैक्लूड प्रोड्यूस किए एड्रीन लेन जी रिचर्ड ग्राफी दी पीटर बियोज एडिट किए एनी जेन एपी के फॉक्स टू थाउजेंड पिक्चर रिजेंसी इंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज मई टेन दो हजार दो ये इंडिया फोर पॉइंट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है 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 जिसका बजट मिलियन मिलियन डॉलर डॉलर। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के में ऑलिवर मार्टिन एज पॉल मार्टन इरिकोल एज बिल स्टोन डोमिनिक चाइनीज एज फ्रेंक विलच एंडरसन एज बॉब किलोर्ड

प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफैथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेहर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय अजनबी पॉल मॉर्ट से मिलता है और अपने घुटनों को खर्चता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फ़ोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फ़ोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य सा अच्छा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कॉलिन को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलूर की नियुक्त है एडवर्ड सैलुड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका फैर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवारी दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की नौन प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उससे दे देती है कि और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रीन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएल बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलूड का प्रोड्यूस किया लेन जी मैकब्रॉन स्ट्रिंग दी रिचर्ड ग्रे डायना लैन ऑलिव वियर मैटिन या इरिक पर्सेलिवन सिमिटोग्राफ दिए पीटर बियो एडिट एनी वी कोर्स म्यूजिक दिए जेन ए पी के काज मेरे को है अब ये फॉक्स 2000 पिक्चर रीजेंसी एंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है माइट 10 2002 यस करंट है 124 पॉइंट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है फिफ्टीन मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन नाइनटीन मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड्स इस मूवी का आज के बारे में जानते हैं रिचर्ड गियर एज एडवर्ड समर डीना लैन एज कॉन्स्टेंस कॉनियन समर ओलिवर मार्टिन एज पॉल मार्टल इरिक परसिल सोलिवन चार्ली समर चार्ड लो एज बिल स्टोन डोमिनिक चाइनीज एज फ्रेंक विल्सन इरिच एंडरसन एज बॉब

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टल से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फ़ोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फ़ोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य सा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि, है कि उसके पास सैलूर की नियुक्त है एडवर्ड सैलुर्ड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीजों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका अफेयर खत्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अत उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में शिक्षक वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर, कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भहकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रिन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन विलियम्स ब्रोएलस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलोड प्रोड्यूस किया लेन जी मैकब्राउन स्टारिंग द रिचर्ड ग्रे डायना लैन ऑलिव वियर मैटिन जे इरिक सुलिवन सिनेमेटोग्राफी दिए पीटर बियोज एडिट किए एनी वी कोर्स म्यूजिक दिए जेन ए पी के कज मेरे कुर्गन अब ये फॉक्स 2000 पिक्चर रीजेंसी एंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है मई 10 2002 यस करंट है 124 मिनट यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है 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 जिसका बजट मिलियन मिलियन डॉलर डॉलर। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कॉनियन समर ऑलिवर मार्टिन एज पॉल मार्टन चार्ली समर चार्ड लो एज बिल स्टोन डोमिनिक चाइनीज एज फ्रेंक विल्सन इिच एंडरसन एज बॉब

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टेल से मिलता है और अपने घुटनों को खुचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को नए जूते और वस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलुड की नियुक्त है एडवर्ड सैलुड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीजों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वो अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है चूंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका अफेयर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का का पीछा करने प्रबंधन करता है उसे तो दीवारी दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भहकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रीन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएल बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलूड का प्रोड्यूस किया लेन जी मैकब्राउन ब्राउन स्टाइन रिचर्ड ग्रे डाइना लैन ऑलिव वियर मैटिन इरिक पर सुलिवन दिए पीटर बियो एडिट किए एनी वी कोर्ट म्यूजिक दिए जैन एपिक कजमेरे फॉक्स 2000 पिक्चर री जेंसी डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है मई टेन दो हज़ार दो ये ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेहर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टेल से मिलता है और अपने घुटनों को खर्चता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कॉलिन को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि, है कि उसके पास की नियुक्त है एडवर्ड सैलून को फोन करता है और पुष्टि करता है कि झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका अफेयर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवारी दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था। एडवर्ड के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रीन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएल बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलोड प्रोड्यूस किया लेन जी मैकब्राउन ब्राउन स्टाइन दिया रिचर्ड ग्रे डायना लैन ऑलिव वियर मैटिन इरिक पर सुलिवन सीमेटोग्राफी दिए पीटर बियोज एडिट किए एनी वी कोर्ट्स म्यूजिक दिए जैन एपीके कजमेरे कजमेरिक फॉक्स 2000 पिक्चर री जेंसी इंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है मई टेन दो हज़ार दो ये पॉइंट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेहर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टल से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे यौन संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बाहा, के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलु की नियुक्त है एडवर्ड सैलुड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका फैर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का का पीछा करने प्रबंधन करता है। उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं। वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर, कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर दंग, पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रीन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएल बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलोड प्रोड्यूस किया लेन जी मैकब्राउन स्टार्ट दिए रिचर्ड ग्रे डाइना वियर मैटिन इरिक इन सीमोटोग्राफी दी है पीटर बियोज एडिट किए एनी कोर्ट म्यूजिक फॉक्स पिक्चर रीजेंप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज मई टेन दो हजार दो ये इंडिया में वन ट्वेंटी फोर पॉइंट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय अजनबी पॉल मॉर्ट से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलुड की नियुक्त है एडवर्ड सैलुड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फ़ैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीजों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका अफेयर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अत उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में शिक्षक है। वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के ख़िलाफ़ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर दंग, पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रीन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन विलियम्स ब्रोएलस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलूड का प्रोड्यूस किया लेन जी मैक ब्राउन स्टाइन रिचर्ड ग्रे डायना लैन ऑलिव वियर मैटिन इरिक पर सुलिवन दिए पीटर बियोज एडिट किए एनी वी कोर्ट्स म्यूजिक दिए जैन एपिक कजमेरे फॉक्स 2000 पिक्चर री जेंसी डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है मई टेन दो हज़ार दो ये ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफैथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय अजनबी पॉल मॉर्ट से मिलता है और अपने घुटनों को खर्चता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को नए जूते और वस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलून की नियुक्त है एडवर्ड सैलून को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन नहीं झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कॉनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका अफेयर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे तो दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर द, पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो हज़ार दो की अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रिन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एल्विन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएलेस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैक्लूड प्रोड्यूस किए एड्रीन लेन जी मैकब्राउन स्टारिंग स्टाइन दिया रिचर्ड ग्रे डायना लैन ऑलिव वियर मैटिन इरिक पर सुलिवन सीमेटोग्राफी दिए पीटर बियोज एडिट किए एनी वी कोर्ट्स म्यूजिक दिए जैन एपीके कजमेरे कजमेरिक फॉक्स टू थाउजेंड पिक्चर री जेंसी डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है मई टेन दो हज़ार दो ये इसका इंडिया ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टल से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा किन वह कहती है कि उसके पास सैलून की नियुक्त है एडवर्ड सैलून को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन नहीं झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कॉनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फ़ैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीजों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका अफेयर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का का पीछा करने प्रबंधन करता है। उसे तो दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हुए एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रिन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएल बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलोड का प्रोड्यूस किया लेन जी मैक ब्राउन स्टार्टिंग दिए रिचर्ड ग्रे वियर मैटिन इरिक पीटर बियोज एडिट किए एनी वी म्यूजिक कोर्सिटी जेन एपी के फॉक्स टू थाउजेंड पिक्चर रिजेंसी इंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज मई टेन दो हजार दो ये इंडिया में वन ट्वेंटी फोर पॉइंट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेहर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय अजनबी पॉल मॉर्ट से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने सयन पे ले जाता है और वे योद है। और वे रखते हैं दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कौनि को नए जूते और के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कहती है कि उसके पास सैलूर की नियुक्त है एडवर्ड सैल्य को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीजों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है चूँकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका अफेयर खत्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवारी दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अत उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में शिक्षक वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर, कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे चर्चा करते एडवर्ड का एक उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भहकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रीन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएल बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलोड का प्रोड्यूस किया लेन जी मैकब्राउन ब्राउन स्टाइन रिचर्ड ग्रे डायना लैन ऑलिव वियर मैटिन इरिक पर सुलिवन सीमेटोग्राफी दिए पीटर बियोज एडिट किए एनी वी कोर्ट्स म्यूजिक दिए जैन एपिके कजमेरे फॉक्स 2000 पिक्चर री जेंसी डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है मई टेन दो हज़ार दो ये इसका इंडिया ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है फिफ्टीन मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वन नाइनटीन मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड इस मूवी का के बारे में जानते हैं रिचर्ड गियर एज एडवर्ड समर डीना लैन एज कॉन्स्टेंस कॉनियन समर ओलिवर मार्टिन एज पॉल मार्टल इरिक परसिल सोलिवन चार्ली समर चार्ड लो एज बिल स्टोन डोमिनिक चाइनीज एज फ्रेंक विल्सन इरिच एंडरसन एज बॉब

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेहर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टल से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा किन वह कहती है कि उसके पास सैलून की नियुक्त है एडवर्ड सैलून को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन नहीं झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कॉनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीजों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की और भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका अफेयर खत्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवारी दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अत उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में शिक्षक वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर, कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे चर्चा करते हुए उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भहकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो हज़ार दो की अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रिन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एल्विन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएलेस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैक्लूड प्रोड्यूस किए एड्रीन लेन जी मैक ब्राउन स्टार्ट दिए रिचर्ड ग्रे डाइना लैन ऑलिवियर मैटिन इरिक सुलिवन दी दिए पीटर बियोज एडिट किए एनी वी कोर्स म्यूजिक दिए जैन एपी के कर्ज मेरे को फॉक्स टू थाउजेंड पिक्चर रिजेंसी इंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है मई टेन दो हजार दो ये इंडिया है वन ट्वेंटी फोर पॉइंट

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टेल से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और, वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कोनी को कौन, नए जूते और वस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलु की नियुक्त है एडवर्ड सैलुड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फ़ैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका फैर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का का पीछा करने प्रबंधन करता है उसे दीवार दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर द, पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो हज़ार दो की अमेरिकन इरोटिक थ्री फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रीन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एल्विन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएलेस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैक्लूड प्रोड्यूस किए एड्रीन लेन जी मैकब्राउन स्टार्ट दिए रिचर्ड ग्रे डाइना मैटिन इरिक इन सिनेटोग्राफी दी है पीटर बियोज एडिट किए एनी जेन एपी के फॉक्स टू थाउजेंड पिक्चर रिजेंसी इंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट है मई टेन दो हजार दो वन ट्वेंटी फोर पॉइंट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टल से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कॉलिन को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा किनवा कहती है कि उसके पास सैलून की नियुक्त है एडवर्ड सैलून को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन नहीं झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कॉनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीजों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका फैर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का का पीछा करने प्रबंधन करता है उसे दीवारी दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि है और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हैं एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था। एडवर्ड के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे अनफेथफुल दो है दो अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एड्रीन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एलविन विलियम्स ब्रोएलस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैकलोड का प्रोड्यूस किया लेन जी मैकब्राउन स्टारिंग द रिचर्ड ग्रे डायना लैन ऑलिव वियर मैटिन जे इरिक पर्सेलिवन सिमेटोग्राफ दिए पीटर बियो एडिट किए एनी वी कोर्स म्यूजिक दिए जेन ए पी के काज मेरे कोर्हन अब ये फॉक्स 2000 पिक्चर रीजेंसी एंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स रिलीज डेट माइट 10 2002 यस करंट 124 मिनट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम अनफेथफुल मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं एडवर्ड और कॉनी सोमनेर अपने आठ साल के बेटे चार्ली के साथ वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनकी शादी प्यार भरी है लेकिन थोड़ी निरस और जुनून की कमी है खरीदार करते समय कौनी अजनबी पॉल मॉर्टल से मिलता है और अपने घुटनों को खुरचता है पॉल के सो सोहो अपार्टमेंट में उसकी चोटों के इलाज के प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसकी प्रकृति से असहज होकर वह चली जाती है पॉल के फोन नंबर को किताब के अंदर पाकर कॉनी ने उसे फोन किया और उसे आमंत्रित किया गया पॉल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करता है वह उनके आपसी आकर्षण के बावजूद चली जाती है लेकिन फिर से आती है और वे एक नृत्य साक्षा करते हैं कॉनी जल्द ही घर के लिए रवाना हो जाती है जब वह अपने कोट को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटती है तो पॉल सचमुच से उसे अपने पैरों से हटा देता है उसे अपने शयन कंच पे ले जाता है और वे योद संपत्त रखते हैं रूपाचित और दोषी दोनों की कोनी अपने काम का इस्तेमाल पॉल से मिलने की बहा के बहाने के रूप में करती है जिससे एडवर्ड का संदेह बढ़ जाता है कॉलिन को नए जूते और अधोवस्त्र के साथ खुद को तैयार करते हुए एडवर्ड ने उसे दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहा कि वह कहती है कि उसके पास सैलु की नियुक्त है एडवर्ड सैलुड को फोन करता है और पुष्टि करता है कि कौन झूठ बोल रहा था एडवर्ड तबाह हो जाता है जब एक निजी अन्वेषक फ्रैंक विल्सन कॉनी और पॉल की एक साथ तस्वीर प्रदान करता है जैसे जैसे कौनी को दौरा अधिक होता होता जाता है उसे चार्ली को स्कूल से लेने में देर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब इस मामले के आगे नहीं बढ़ सकती है वह व्यक्तित्व रूप से चीज़ों को समाप्त करने का फैसला करती है और अगले दिन वह कुछ काम करती है जैसे एक कोनी अपनी किराने की खरीदारी का काम पूरा करती है वह व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को तोड़ने के लिए पॉल के घर जाती है लेकिन उसे एक अन्य महिला के साथ पुस्तकालय की ओर भागते हुए देखती है और वह अपनी कार से कूद जाती है और पॉल उसे दूसरी महिला का सामना करने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ती है क्योंकि वह पॉल के साथ अकेले लिफ्ट में है वह उसे पूछती है कि वह कितनी महिलाओं को देख रहा है लेकिन पॉल सवाल का जवाब देने से बचता है और कोनी को बताता है कि दूसरी महिला सिर्फ एक दोस्त के और कुछ नहीं वह फिर पॉल से कहती है कि वह मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता और उल्लेख करता हूँ कि उनका फैर ख़त्म हो गया वह पॉल को झूठा भी कहती है और उसे कहती है कि वह उससे नफरत करती है हालांकि जब वह गुस्से में पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वह कोनी का का पीछा करने प्रबंधन करता है। उसे तो दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की प्रकृति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतः उसे दे देती है कि और वे उसके अपार्टमेंट में के दलान में सेक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और वे कोनी से चर्चा करते हैं। एडवर्ड का एक बर्फ की दुनिया को पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था जो पॉल बताता है कि उसे ने उसे उपहार में दिया था एडवर्ड स्नो ग्लोब के साथ पॉल की खोपड़ी को तोड़ता है और फ्रैक्चर करता है जिससे वह तुरंत मर जाता है जैसे ही वह पॉल के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है वह कॉनी का पीछा करने का प्रबंधन करता है उसे दीवार के खिलाफ धक्का देता है और उसे भहकाना शुरू कर देता है जैसे ही कोनी पॉल की यौन प्रगति का विरोध करने की कोशिश करता है वह अतत उसे दे देती है और वह उसके अपार्टमेंट में के दलान में सिक्स करते हैं वह छोड़ देती है कि एडवर्ड को बहुत कम याद कर रही है जो पॉल का सामना करने के लिए आया है पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में जाने देता है और कोनी से चर्चा करता है एडवर्ड एक बर्फ की दुनिया का पाकर द, पाकर दंग रह जाता है जो उसने उसे अतीत में दिया था चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं अनफेथफुल मूवी के बारे अनफेथफुल दो हज़ार दो की अमेरिकन इरोटिक थ्रिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया एड्रिन लाइन और स्क्रीन प्ले दिए एल्विन सर्जेंट विलियम्स ब्रोएलेस बेस्ड ऑन द अनफेथफुल वाइफ बैक्लूड प्रोड्यूस किए एड्रीन लेन जी मैकब्राउन स्टारिंग दिए रिचर्ड ग्रे डाइना लैन ऑलिटिन सुलिवन सिनेटोग्राफी दिए पीटर बियोज एडिट किए एनी वी म्यूजिक जेन एपी के कर्ज मेरे को मई टेन दो हजार दो कर इंडिया में वन ट्वेंटी फोर पॉइंट ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई

मिचेल मोगन एज लेडनेशी कैट बर्टन एज टेरेशी मैरगेट जो कॉलिनी एज जेल जेको इवान एक डिटेक्टिव डीन मेकर इमरेशन एज जोश डेमन गुप्टन एज अदर बिजनेसमैन जोश बोर्डर ट्रेन कंडक्टर तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर Please subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for watching this video.